आज का टॉपिक है हमारा मिश्रण। मिश्रण मतलब किसी भी दो वस्तुओं को मिलाना। कई बार क्या होता है, दुकानदार क्या करते हैं, एक अच्छी किस्म की दाल ले आते हैं और एक बेकार किस्म की दाल ले आते हैं और उन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो क्या होता है कि अच्छी वाली दिखने लग जाती है तो उससे वो रेट बढ़ाकर बेचते हैं या उस हिसाब से अपनी बेकार वाली जो दाल है उसकी भी वो सेलिंग कर देते हैं साथ में। तो उसी पर ही रिलेटेड जो है यहाँ पर एक चैप्टर है मिश्रण। मिश्रण के चैप्टर में हमेशा दो वस्तुएं जो एक सस्ती होगी और एक महंगी होगी उन दोनों को मिलाकर एक मॉडरेट वैल्यू के रूप में आपको एक वैल्यू मिलेगी, एक आंसर मिलेगा जिसको हमें मूल्य के रूप में हमें बेचना रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चनों को करने के लिए एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के हमें एक नॉलेज होनी जरूरी है। तो चलिए हम पहली स्लाइड में देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं क्योंकि वो किस फॉर्मेट में सॉल्व होगा। अगर हमें पहले क्वेश्चन के उस फॉर्मेट की पूरी तरीके से जानकारी है तो हम इस मिश्रण के हर टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये मिश्रण का जो टॉपिक है वो आपको औसत में भी काम आएगा, औसत के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी, कि लड़कियों की औसत इतनी है, लड़कियों की औसत इतनी है, अगर उन दोनों को मिला लिया जाए तो पूरी कक्षा की औसत कितनी होगी, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम आते हैं। तो आपके साधारण ब्याज के चैप्टर में भी जहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि एक बैंक में जाकर कोई पैसा जमा किया जा रहा है और दूसरी बैंक में जाकर कोई पैसा जमा किया जा रहा है और दोनों को अगर वो मिक्स रूप में दो साल बाद में इतने रूप में ब्याज मिला या इतने परसेंट ब्याज मिला या उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम मिश्रण के थ्रू कर सकते हैं। तो ये मिश्रण का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम पहली स्लाइड के द्वारा पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया गया है इसमें, 38 रुपये प्रति किलो वाली तथा 36 रुपये प्रति किलो वाली को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 37 रुपये प्रति केजी हो जाए। आपको फर्स्ट क्वेश्चन की पूरी हर बात को पहचानना है। क्या कहा गया है कि कोई भी दो किस्म के चावल या चीनी ले ली गई उसने कि 38 रुपीज पर केजी और सेकंड वाले में उसने लिया कि 36 रुपये वाली, 36 रुपीज प्रति केजी वाली ले ली, एक तो महंगी ले ली और एक सस्ती ले ली और उन दोनों को मिक्स किया और मिक्स करके वो 37 रुपीज पर केजी के रूप में वो बेच रहा है। तो ध्यान रखना कि पहली बात, अगर यहाँ पर बेचने की बात नहीं है, यहाँ पर उसने कहा है कि 38 रुपये प्रति किलो वाली 36 रुपये प्रति किलो वाली को मिलाया और मिश्रण का मूल्य कितना हो गया, इन दोनों को उसने मिलाया है, इसके और इन दोनों को मिलाकर उसने क्या बनाया, एक मूल्य बनाया 37 रुपये प्रति केजी वाला। तो ध्यान रखें कि जब दो किस्म को मिलाएंगे तो एक बनेगा, तो ध्यान रखें कि ये तीनों की तीनों अगर ये खरीदने की होनी चाहिए तो तीनों ही क्वांटिटी खरीदने की ही होनी चाहिए, ये तीनों की तीनों अगर बेचने की हो तो तीनों की तीनों बेचने की होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो उनके अंदर वो वेरी करेंगे बातें। तो ये अगर 38 रुपये प्रति किलो वाली खरीदने की है या 36 रुपये प्रति किलो वाली खरीदने की है या 37 रुपये प्रति केजी वाली भी खरीदने की ही है, एक तरीके से इन दोनों को मिलाकर ये पूरे मिश्रण का मूल्य हुआ है। तो ध्यान रखें इस फॉर्मेट में क्या करते हैं कि वो पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया गया, तो अनुपात निकालना है तो यहाँ वाले को घटाकर तो इस तरफ लिख दें 38 माइनस 37 और यहाँ वाले को घटाकर इस तरफ लिख दें तो 36 माइनस 37। तो आपका यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, 1, और यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, 1, तो आपका अनुपात कितना आया, 1:1। तो ध्यान रखें प्रति के जी मूल्य जो आपका होगा उसे आप तो लिखेंगे ऊपर और यहाँ पर जो भी आएगा वो अनुपात आएगा, वो अनुपात किसी का भी आ सकता है, या लड़कों और लड़कियों का अनुपात आ सकता है कि उन्हें किस अनुपात में उनका औसत किया गया है, या ये पूछा जाता है किस रूप में बैंक में पैसा जमा किया गया, एक में कितना किया दूसरे में कितना किया उसका अनुपात आ सकता है, या यहाँ वाले क्वेश्चन के हिसाब से ये बता सकते हैं कि किस अनुपात में पहले वाले मिश्रण और किस अनुपात में दूसरे वाले मिश्रण को मिलाया गया है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, पहला मिश्रण इधर रखना है, दूसरा इधर दिखना है और टोटल जो मिक्सचर होगा, टोटल मिश्रण जो होगा उसे आपको कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले वाले में क्या कहा गया है कि 34 रुपये प्रति केजी वाला और 39 रुपये प्रति केजी की दो टाइप की कोई चीनी है, 34 रुपये प्रति किलो वाली तथा 39 रुपये प्रति केजी वाली दो टाइप की चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को बेचने पर वो 37 रुपये प्रति केजी में बिकेगा। तो देखो ध्यान से कि इस वाले को घटाकर तो इधर लिखना है 37 माइनस 34 और इस वाले को घटाकर इधर लिखना है 39 माइनस 37। इनको घटाएंगे तो 37 में से 34 घटाएंगे कितना आएगा, 3, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो आपका आंसर कितना आया अनुपात के रूप में कि किस अनुपात में उन दोनों मिश्रण को मिलाया होगा, तो आपका आंसर कितना आया, 2:3।
एक बात ध्यान रखना कि ये आपका खरीदने का था कि आपने खरीद कर किसी वस्तु को लाए और ये भी खरीद कर किसी वस्तु को लाए और ये भी आपने क्या किया खरीद कर किसी वस्तु को लाए उसको आप क्या कर रहे हो सेल अभी तक नहीं कर रहे हो। तो तीनों क्वांटिटी अगर खरीदने की है तो खरीदने की ही होनी जरूरी है, तीनों अगर बेचने की है तो तीनों बेचने की ही होनी जरूरी है, जैसा कि हम अगले क्वेश्चन से इस बात को समझेंगे कि हम अगर अब जो देगा वो अब केवल और केवल हमें इनके अंदर फिल इन द ब्लैंक वाला काम होगा। जैसे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 4200 रुपये प्रति केजी वाली, ठीक है भाई फिल कर देते हैं, 72 रुपये प्रति केजी वाली यहाँ भी फिल कर देते हैं क्योंकि दो टाइप के मिश्रण तो यहाँ आ गए, को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 48 रुपये प्रति केजी में बेचने पर, कितने रुपये में बेचने पर, 48 रुपये प्रति केजी में बेचने पर। अब मैं यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पर इसने क्या बात कर दी, 48 रुपये प्रति केजी में बेचने की बात कर दी। अब बेचने पर क्या बोल रहा है कि 20% की हानि हो जाए, ये दोनों क्वांटिटी किसकी है, खरीदने की है, तो हम खरीदने वाली जगह तो रख नहीं सकते यहाँ बीच में कि दोनों मिश्रण को यहाँ पर लिख दें, इसलिए हमें इस 48 को इस बेचने वाली वैल्यू को हमें खरीदने वाली वैल्यू में ले जाना पड़ेगा। इसके लिए अपन क्या कर देते हैं कि 48 रुपये प्रति केजी में बेचने पर 20% की हानि हो जाए, तो 20% की हानि हो जाए मतलब 48 वैल्यू किसकी हो गई 80 की, और अब आपको निकालना किसका है 100 की निकालनी है, तो इस 100 से गुणा कर देते हैं। भाई अगर ध्यान रखें कि किसी वस्तु को अगर 20% हानि में बेचोगे तो 100 की जगह वो कितने में बिकेगी 80 में, तो 48 तो किसकी वैल्यू हो गई 80 की, और अब आपको निकालना है वो क्रय मूल्य कितना था, अगर 100 होता है तो बिकती है 80 में, तो अगर आपकी 48 है तो 48 तो वैल्यू 80 की और निकालनी है 100 की, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट क्रय मूल्य निकाल सकते हैं 8 6 48, तो ये आपका कितना आ जाएगा 60, तो इसके बीच में यहाँ पर लिख देते हैं 60, क्योंकि अब आपका क्रय मूल्य आ चुका है, ये पूरे मिश्रण का क्रय मूल्य 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो जाए। अब इनको घटाकर तो यहाँ लिख देंगे कि 60 में से 42 को घटाकर यहाँ लिख दिया जाएगा और 72 में से 60 को घटाकर इस तरफ लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 8 और 18, ठीक है। अनुपात देखें तो 6 का भाग दें तो 6 दो बार और 6 से यहाँ देंगे तो 3 बार, अनुपात कितना आ गया 2:3, तो आपने किस अनुपात में इन दोनों को मिलाया है 2:3 में मिलाया है। एक बात ध्यान रखना, मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर यहाँ पर तीनों क्वांटिटी खरीदने की है तो खरीदने की होनी जरूरी है, तीनों क्वांटिटी अगर बेचने की है तो बेचने की होनी जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं, उसके अंदर क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक आप बस कीजिए कि आप बस पहले मिश्रण को यहाँ लिखें, दूसरे मिश्रण को यहाँ लिखें, टोटल मिश्रण की जो दोनों को मिलाकर क्वांटिटी बन रही है उसको बीच में लिखें, ठीक है। ये टोटल मिश्रण यहाँ आएगा, फर्स्ट टाइप वाला यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, टोटल मिश्रण यहाँ पर, यहाँ भी जो भी केजी के रूप में उसने दे रखा होगा वो आएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं, 20 रुपये प्रति केजी वाली, 20 रुपये प्रति केजी वाली 24 केजी चीनी को, देखो ये वजन है और वजन यहाँ आता है जबकि यहाँ क्या आते हैं आपके प्रति केजी मूल्य, ठीक है। फिर आपको क्या है, 20 रुपये प्रति केजी वाली 24 केजी चीनी को 36 रुपये प्रति केजी वाली कितनी केजी चीनी के साथ मिलाया जाए, ये नीचे वाला ये निकालना है, देखो कितनी केजी चीनी के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 31.5 प्रति केजी के भाव में बेचने पर 5% का लाभ हो जाए। अब देखो क्वेश्चन सीधा नहीं दिया उसने, एक तो ये वाली क्वांटिटी पूछी भी है, पहले तो अनुपात भी निकालना है, लेकिन उसने अनुपात निकालने से पहले उसने ये कह दिया कि 5% का लाभ हो जाए, ये वाला मिश्रण जो है वो बेचने वाली वैल्यू दे दी। तो मैंने पहले ही कहा है कि आपको हमेशा और हमेशा खरीदने वाली वैल्यू ही तीनों जगह लेनी पड़ती है, इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम 5% लाभ पर बेचेंगे तो बताओ 100 रुपये की कोई वस्तु है और उसे 5% लाभ पर बेचेंगे तो वो कितने में बिकेगी 105 में, इसलिए ये किसकी वैल्यू है 31.5, ये वैल्यू है 105 की और निकालनी किसकी है आपको 100 की, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 21 का भाग दे दो तो 21 × 105, यहाँ से 21 से एक बार और 10 0 21 × 105 पॉइंट लग जाएगा और 5 से यहाँ भाग देंगे तो 0.3 × 10 30 आ गया। तो यहाँ पर बीच में किसकी वैल्यू आ गई 30 की, यहाँ इन दोनों को घटाकर अगर इस तरफ लिखेंगे तो 20 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा 10, यहाँ 36 में से ये घटाएंगे 30 घटाएंगे तो इस तरफ कितना आएगा 6। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर ये 24 है, 24 नहीं हमारा जो अनुपात आ रहा है वो एक तरीके से क्या आ रहा है 6 और 10, हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ कोई इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है 6:10 बोलें कि हमें तो जो अनुपात मिला वो तो 6:10 मिला, लेकिन ये ओरिजिनल रूप में कितना है 24 है जो कि कितना है 4 गुना है, तो आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो 4 गुना कर सकते हो और ये कितना आएगा 40
केजी आ जाएगा। तो ध्यान रखें, पहली बात खरीदने वाली है तो खरीदने वाली ही रखो बीच में, अगर बेचने की हो तो बेचने वाली रखो, फिर जो आएगा अनुपात वो तो वजन का अनुपात आएगा। इसने पहले वाले वजन दे दिया 24, जबकि आपका आया कितना 6 घटाने के बाद, इसलिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा 4 गुना। और यहाँ पर इसका 4 गुना कर रहे हो तो देखो अनुपात जो होता है, अनुपात में समान चीज़ का गुणा कर सकते हैं, समान चीज़ का भाग दे सकते हैं, इसलिए अगर आप इसका 4 गुना कर रहे हो तो अनुपात में दोनों तरफ 4 गुना होता है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि 24 किसकी वैल्यू 6 की और निकालनी है आपको 10 की, तो ये 4 बार और ये आ जाएगा 40, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका थोड़ा सा अलग टाइप का है कि देखो 22 रुपए प्रति केजी वाली, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 रुपए प्रति केजी वाली तथा 22 रुपए प्रति केजी वाली 215 केजी नीचे लिख लेते हैं, 34 रुपए प्रति केजी वाली, ठीक है, और रुपीज पर केजी वाली कितनी केजी चीनी के साथ मिलाया जाएगी 36 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में बेचने पर 36 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। अब आप एक बात बताओ, 20% का लाभ होगा तो किसी 100 रुपए की वस्तु को अगर आप 20% लाभ पर बेचते हो कितने में बिकेगी 120 में। तो ये देखो यहाँ बेचने वाली दी है, जबकि हमें क्या चाहिए खरीदने वाली ही क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि तीनों सेम होनी चाहिए। और निकालनी किसकी आपको 100 की, 12 से यहाँ भाग देंगे, 12 3 36, तो आपका कितना आ जाएगा 30, इसलिए बीच में कितना लिख देंगे 30। इनको अगर 22 में से 30 में से 22 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, इसको इधर घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। तो अगर हम देखें तो ये कितना है 4 से 8, तो अनुपात देखें तो अनुपात कितना आ रहा है, अनुपात देखें तो आ रहा है 1:2। तो ये दे रखा उसने ये वाला वजन, जो 22 रुपए प्रति केजी वाली चीनी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 215 केजी दे रखी है। तो ये है 1 से ये डबल, ये है वजन का अनुपात है आपका, क्योंकि नीचे जो आता है वो वजन का अनुपात ही आता है कि किस अनुपात में आप जो है उन्हें मिला रहे हैं। तो ये 215 है, तो इस 215 का क्या कर देंगे हम डबल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 430 केजी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो इस टाइप के हैं। दूसरा अगला पढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन आपको दूध और पानी के रूप में पूछे जा सकते हैं, तो कैसे, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड, दूध व पानी के एक मिश्रण में 45% पानी है, इसने क्या दिया पहले वाले मिश्रण में, हो सकता है ग्वाला भी ऐसा ही करता है, कोई एक ड्रम रहता है उसके अंदर 45% पानी रहता है। दूसरे वाले में उसने क्या कहा, दूसरे मिश्रण में 56% क्या दिया है पानी दिया है, उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पूरे मिश्रण में 50% पानी हो जाए, ठीक है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए 50% पानी हो जाए। तो वही बात वापस से, ये हो गया आपका मिश्रण, आपको एक ड्रम में उसमें 45% पानी है, दूसरे ड्रम में 56% पानी है, तीसरे वाले में जो आपको इन दोनों को मिलाएंगे तो उसके अंदर 50% पानी है, तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, 56 में से 50, और यहाँ पर कर रहे हैं हम 45 माइनस 50, माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोनों ड्रम जो हैं उनमें से कितने किस अनुपात में हमें तीसरे ड्रम में डालना पड़ेगा, तो 6:5 के अनुपात में जो है मिश्रण को मिलाना पड़ेगा। अब यही जो क्वेश्चन है वो आपके अनुपात के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, यूं नहीं कि हर बार परसेंटेज के रूप में पूछेगा, तो कैसे, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, देखो क्या दिया उसने, दो मिश्रण में ए तथा दूध व पानी का अनुपात, तो ये जरूरी थोड़ा ना कि परसेंटेज के रूप में दे, वो अनुपात में भी दे सकता है, जैसे अगले क्वेश्चन में कहा है कि दो मिश्रण में ए तथा बी में दूध व पानी का अनुपात है आपका 3:1, दूसरे वाले में है आपका 1:1, तथा मिश्रण को जो मिलाया उसमें मिश्रण जो मिला हमें वो मिला है अपने को 3:2। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको या तो इसमें भी दे रखा है कि ये वाला ड्रम है जिसमें दूध व पानी का अनुपात, ये वाला ड्रम है जिसमें दूध और पानी का अनुपात, और ये वाला ड्रम है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना है तो या तो आप क्वेश्चन दूध के हिसाब से कर लो, मैं दोनों के हिसाब से आपको सॉल्व करके बता दूंगा, या क्वेश्चन आप पानी के हिसाब से सॉल्व कर लो। लेकिन मैंने पहले ही कहा है यहाँ बेचने वाली हो तो बेचने वाली, खरीदने वाली हो तो खरीदने वाली, ऐसा नहीं हो सकता कि या तो आप यहाँ तो बेचने वाले ले लो या खरीदने वाले ले लो, ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन, यही बात यही आ जाती है कि अगर दूध के हिसाब से सॉल्व करो तो यहाँ भी दूध लो, यहाँ भी दूध और यहाँ भी दूध, पानी के हिसाब से सॉल्व करो तो यहाँ भी पानी होना चाहिए, यहाँ भी पानी होना चाहिए और यहाँ भी पानी होना चाहिए, तो बताओ यहाँ पर कितना आ रहा है। अगर हम देखें तो ये पूरा मिश्रण कितने केजी का, भाई 3:1, 4 का, तो मतलब दूध है वो कितना है 3/4, अगर कुल 3/4 ही है, मतलब यूं कह सकते हैं कि 3/4 मतलब 3/4 ही है,
अगर यहां देखें तो ये 1:1 मतलब टोटल मिश्रण कितने का, 2 का, तो यहां दूध कितना है, आधा है, मतलब आधा आधा है, बराबर है, मतलब आधा आधा है। और यहां पर अगर देखें टोटल मिश्रण कितने का, 5, तो दूध कितना है आपका 3/5। तो यहां अगर हम क्वेश्चन दूध के हिसाब से सोल्व करें तो पहले वाले मिश्रण में दूध का अनुपात कितना 3/4, अगले वाले में 1/2 और इस वाले में कितना है 3/5। चलिए अब सोल्व कर लेते हैं। इसमें यहां वाले में से तो हमें मिला है, दूध के हिसाब से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो यहां वाले से हमें मिला है 3/4, यहां वाले से मिला है 1/2 और इसे थोड़ा सा बीच में लिख लो आप ताकि सुविधा रहे। तो यहां वाले से मिला है हमें 3/5, इन दोनों को तो घटाकर इस तरफ लिखना है तो 3/4 - 3/5 और इन दोनों को घटाकर इस तरफ लिखना है तो 3/5 - 1/2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 15 और 12 का अंतर कितना, देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अंतर डायरेक्ट निकालना है तो यहाँ सॉल्व करोगे तो 15, यहाँ सॉल्व करोगे तो 12, अंतर कितना आया 3 और भाग दे दो 5 और 20 से, ठीक है। इधर आ जाते हैं, यहाँ वाले में भी वही काम करो, 3 × 6, 5 × 5, दोनों का अंतर कितना आया 1/5 × 10। तो अगर अनुपात देखें तो देखो ये अनुपात आया तो यहाँ से अगर इसको काटें तो 10 से ये 2 बार 2 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो आपका अनुपात कितना आ गया 2:3। ये नीचे अनुपात देखो, ये एक तरीके से बीच में अनुपात लगता है वो एक तरीके से बराबर का ही काम करता है, इसलिए नीचे वालों को काट सकते हैं और ये 2 जो है वो भाग में है तो उधर जाएगा तो बराबर है, तो बराबर के उधर जाता है तो क्या करता है, अनुपात बराबर की तरह ही काम करता है तो उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो अनुपात कितना आ गया आपके 2:3। ये तो मैंने बताया है कि आप क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व कर रहे हो, आप दूध के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। अगर आपको इसी क्वेश्चन को पानी के हिसाब से सोल्व करना हो तो आप कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो पानी के हिसाब से सॉल्व कैसे किया जाएगा कि पानी होगा तो पानी फर्स्ट वाले में इस वाले दे रखा है 3:1, तो देखेंगे तो कितना आ रहा है 1/4 पानी, और इस वाले में 1:1 तो इसमें कितना आ रहा है 1/2, और इस वाले में क्वेश्चन कितना दे रखा है 3:2, तो यूं कह सकते हैं कि 2/5 आपका क्या है पानी। तो इस बार क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं हम पानी के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आप क्वेश्चन भले ही दूध के हिसाब से सॉल्व करो भले ही पानी के हिसाब से सॉल्व करो दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो 1/4 - 2/5 और यहाँ से घटाएंगे तो 2/5 - 1/2, तो यहाँ से इनको घटाएंगे तो बताओ ये 5 और ये 8 कितना आ गया 3 और यहाँ भाग दें तो 5 और 20, यहाँ देखें तो 4 और यहाँ देखें तो 5, अंतर कितना आया 1/2 कितना आ गया 10, ठीक है। वापस से यहाँ काट दें तो कितनी बार कटेगा 2 बार, अनुपात कितना आ गया आपका 2:3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मिश्रण के जो क्वेश्चन हैं उन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय वे पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनी है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू फ्रेंड्स ऑफ लर्न शानदार पाली और लवली से कुछ और करना चाहिए। मेरे पकड़ा उस पानी में डाल दिया जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया और जब
एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरु जी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या गुजरा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य आपसे। विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके लिए, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपके लिए।